मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी आने से पहले, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि देश का युवा इतना पॉलिटिक्स भी फॉलो करता था। बिल्कुल नहीं करता। ये अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी बनाने के बाद लोग इंटरेस्ट, लोगों ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया, पॉलिटिक्स को समझना शुरू किया। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग पहले नहीं देखते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते थे, पढ़ते थे, लेकिन एक इंटरेस्ट के साथ, जिस जैसे आज के दौर में फॉलो करते हैं, मुझे नहीं लगता आज से पहले करते थे। ये भी बहुत बड़ा, ये भी एक अचीवमेंट है कि लोगों को पॉलिटिकली इतना अवेयर कर दिया, लोगों को रोज़मर्रा के जीवन से लेकर बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन में अरविंद जी की सरकार ने इन्वॉल्व किया। मुझे लगता है यंग फेसेस होने की वजह से भी यंगस्टर्स जो हैं शायद डिबेट्स में सुनना, डिबेट्स को फॉलो करना पसंद करने लगे हों, या आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, या वो एक लीडर, मानिए आपका इंस्टाग्राम पेज है, उस पर यंगस्टर्स को एक इंटरेस्ट है कि यार ये तो हमारी एज का एक लड़का है जो पॉलिटिक्स में, इसको फॉलो कर लेते हैं, शायद वो बाकी बड़े, देखिए एक एक जहाँ तक यंगस्टर्स की बात है, देश की राजनीति में ये देश का दुर्भाग्य है कि इतना युवा देश होने के बाद भी देश का युवा ही राजनीति में नहीं है। इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड ना, हम सब जानते हैं कि देश की 65% आबादी 35 साल की आयु से कम है, 65% आबादी, 50% आबादी देश की, 50% ऑफ इंडिया 25 साल की उम्र से कम है, तो कितना युवा देश है। एवरेज एज शायद हिंदुस्तान की को 29 साल है, मैं भी एवरेज एज से बड़ा हूँ, मैं भी बूढ़े होने की उस पर हूँ, देश युवा है। तो कहने की बात यह है कि जब देश इतना युवा है तो युवाओं का पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में क्यों ना हो। हम ये बात अक्सर कहते हैं, मैं इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि महिलाओं का राजनीति में होना बड़ा ज़रूरी है, उनके लिए सीटों की रिजर्वेशन भी होनी चाहिए, 33% रिजर्वेशन कर देते हैं, बिल भी पास हुए, सब कुछ हुआ। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगी, महिलाएं इलेक्शन लड़ेंगी, चुनाव जीतेंगी, चुनाव जीतकर विधानसभा में या पार्लियामेंट में आएंगी और अपने मुद्दे उठाएंगी, अपनी बात करेंगी, अपनी महिलाओं के समाज की बात करेंगी और उन बातों को रखकर, ज़रूरतों को, मांगों को रखकर शायद उनके लिए कुछ कर पाए। इसीलिए उसी हिसाब से हम बात करते हैं कि एक खास वर्ग को, जैसे दलित समाज की हम बात करें, वो सालों से, दशकों से, पीढ़ियों से उनके साथ अन्याय हुआ, तो उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। वो आएंगे, जीतेंगे, विधानसभा में आएंगे, पार्लियामेंट में आएंगे, तो अपनी आवाज़ उठाएंगे। उसी हिसाब से जब तक देश का युवा राजनीति में नहीं आएगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव लड़के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम नहीं करेगा, अपनी मांगे नहीं रखेगा, तो फिर युवाओं की आवाज़ कौन उठाएगा? कोई युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। अब एवरेज एज हमारे देश की मेरे ख्याल से राज्यसभा की कोई 60-65 साल है। अब 60-65 साल का एक आदमी या औरत कोई 18 साल या 20 साल के युवा की आवाज़ क्यों उठाएंगे? उनको इशूज़ ही कितने पता होंगे, कनेक्ट ही कैसे करें? तो युवाओं की, यंग इंडिया की बहुत अंडर रिप्रेजेंटेशन है भारत की मेन स्ट्रीम राजनीति में, जिसे बदलना चाहिए। और बदलना कोई बहुत आसान नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं, अरविंद केजरीवाल जी मेरे मेंटोर हैं, मेरे बॉस हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे नेता हैं, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कि वो एक लौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने युवाओं को प्रमोट किया। बिल्कुल। और पार्टियों में आप देखिए, आपके पास एक फैंसी सरनेम होना चाहिए, या तो आप गांधी हो, मुफ्ती हो, यादव हो, सिंधिया हो, पायलट हो, ठाकरे हो, पटनायक हो, जब तक आपके पास कोई फैंसी सरनेम नहीं है, यानी कि कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल परिवार से आप नहीं आते या आपका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं है, तो आप राजनीति में आगे ही नहीं जा सकते। आपको मौका ही नहीं मिलेगा, ना आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, ना कोई पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। तो वहाँ पे तो बहुत सारे बैरियर्स हैं। फिर मीडिया पावर चाहिए, मसल पावर चाहिए, मनी पावर चाहिए, ये सारे बहुत सारे बैरियर्स हैं जो युवाओं को, कोई आना भी चाहे ना इस दिशा में, आगे चलता भी है, तो वो रोक देते हैं। ये स्पीड ब्रेकर नहीं है, बैरियर है, वो रोक ही देता है कि नहीं भैया और आगे नहीं जा सकते। दूसरी ओर आप देखें आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी, इन हमारी पार्टी में सभी युवा हैं, सभी यंग लोग हैं। मैं इकलौता नहीं हूँ, मैं कैमरे पे ज़्यादा नज़र आता हूँ। जो लोग कैमरे पे नहीं नज़र आते हैं, मुझसे भी ज़्यादा युवा हैं और मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और मुझसे ज़्यादा काबिल भी हैं। बहुत लोग ऐसे संगठन चला रहे हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी कहीं निभा रहा है।